गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार दिया। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही ट्रैक्स के वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखो, आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी सबको बोलो सब्सक्राइब करने को। तो फिलहाल मैं आया हूँ लिंगे के रूम पे, लिंगे शुभम लिंगे ये बंदा, और हम लोग ने यहाँ पे कुछ प्लान किया है जो कि मैंने अभी इंस्टा पे पोस्ट किया। सिर्फ प्लान का मतलब क्या प्लान है वो पोस्ट नहीं किया है, लेकिन अभी देखते हैं ये बंदा डच्चू देने वाला है शायद से, इसलिए मैं ब्लॉक कर रहा हूँ ताकि वो नहीं करे डच्चू। देखते हैं अभी क्या होता है। वाजपेयी तेरे को क्या लगता है, वो ही करेगा ना डच्चू? डच्चू करेंगे ही वो। देख सगळे पबजी मध्ये बिजी आहेत इथे। तो वैसे आज आपको दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो 100 डेज स्वेट चैलेंज का क्या हुआ और शिवा का टैटू क्यों किया है मैंने, उसका भी जवाब आप लोगों को आज के व्लॉग में मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग देखो और मजे लो। और ये मैं आ चुका हूँ घर पे, तो वहाँ पे हॉस्टल में थोड़ा बहुत टाइम पास किया, फिर बाद में हम लोग ने फोटोज़ निकाले। तो फोटोज़ चेकआउट करने के लिए आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो मेरे को, तो यहाँ पे इंस्टा की आईडी दे दूंगा, जाके जल्दी फॉलो करो। अपने कुछ 2000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है इंस्टा पे, तो देखो जाके इंस्टा आईडी मेरी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताओ। और अभी बात करते हैं स्वेट चैलेंज के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ कि कितना कम्प्लीट हुआ है। तो ये रहा चार्ट, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 70 डेज तक पूरा कंप्लीट किया है मैंने। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा 70 डेज तक पूरा कंप्लीट किया मैंने चार्ट, मतलब रेगुलर वर्कआउट वगैरह सब कर रहा था, लेकिन उसके बाद में मैं हो गया बीमार, और इतना बीमार हो गया कि मतलब वर्कआउट तो मुझे गैप ही लेना पड़ा एक हफ्ते का। तो मैंने सोचा कि चलो इसको जाने देते, अपन नॉर्मल वर्कआउट चालू रखते और ये चैलेंज अपन वापस करेंगे। तो अभी थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह सब होने के बाद में आराम से वापस से ये चैलेंज करूँगा, और तब मैं आपको डेली अपडेट्स देते रहूँगा। तो ये थी, ये बात मुझे बतानी थी क्योंकि मैंने कुछ अपडेट ही नहीं दिया था इसके बारे में, तो आज दे दिया। तो अभी बज रहे हैं 12:30, तो अभी फटाफट खाना खा लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं ऐसे ही निकल के गया था, कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं किया था मैंने सुबह सुबह। तो खाना खाने के बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नई लोकेशन पर, वहाँ आपको मैं बताऊँगा कि शिवा का टैटू क्यों किया है। और ये आ गए हम एक नई लोकेशन पे, नई मतलब ये सबसे पहला जो व्लॉग बनाया था मैंने वो यहीं पे बनाया था। ओह शिट, चाबी गिर गई। तो पहला व्लॉग बनाया था यहाँ पे, तो जाके देख सकते हो या फिर आई बटन में दे दूँ। तो मंदिर में क्यों, क्योंकि लॉर्ड शिवा का टैटू है, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छे लोकेशन में जहाँ पर मंदिर है वहीं से बात करते हैं। और ये एक यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ ना तो एकदम पीसफुल ऐसा मेरे को माइंड हो जाता है, मेरा सब टेंशन दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से यहीं पे आके बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों में से कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि शिवा का ही टैटू क्यों, मतलब ओम ही क्यों या फिर त्रिशूल ही क्यों या फिर ओम नमः शिवाय ही क्यों। हाँ, वैसे आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट नहीं देखा ना टैटू का, तो मैंने जो थंबनेल देखा ना आप लोगों ने वो पूरा टैटू करा है मैंने। हाँ, तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा तो क्यों ऐसा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिज़ाइन कराते हैं या फिर बाकी की और भी चीज़ें कराते हैं, तो तूने ये क्यों कराया? तो उसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग से, मतलब बचपन से कह सकते हो, जब भी मैं कुछ ओम देखता था या फिर त्रिशूल देखता था तो वो देख के ना मुझे कुछ ऐसा पावर जैसा या फिर आप लोग बोल सकते हैं एनर्जी जैसी, पॉजिटिव वाइब्स जैसे मिलते थे कि यार कितनी एनर्जी है ये चीज़ में या फिर वो चीज़ की पॉजिटिव एनर्जी अपन ले सकते। तो वो सब ख्याल मेरे दिमाग में आते रहने के। तो उसके बाद में मेरे को पता चला कि टैटू नाम की चीज़ होती है या फिर टैटू करा सकते हो आप, ये सब मुझे पता लगा। तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं, फिर अपन अगर ये चीज़ से अपन को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है तो यही चीज़ का टैटू बनाते हैं, जिससे कि अपने जो काम है, जो भी काम मैं करता हूँ, मतलब ये हो गया या फिर जिमिंग हो गई, वर्कआउट हो गया, जो भी चीज़ है उसमें हेल्प हो सके। तो इसलिए मैंने ये टैटू कराया। एक और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बैक पे क्यों कराया, कराना ही था तो यहाँ पे कर सकता था, यहाँ पे कर सकता था, लोग यहाँ पे कराते हैं। तो मैंने इसलिए बैक पे कराया क्योंकि मुझे वो शो ऑफ नहीं करना है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि वो मैंने खुद के लिए किया है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एज अ गिफ्ट है वो मेरा। तो मुझे वो ऐसा बस है, मेरे पास कुछ है ऐसा चाहिए था, तो इसलिए मैंने वो बैक पे कराया।
कुछ दिनों बाद ऐसा अच्छा सा फोटो शूट करके भी आप लोगों को दिखेगा इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो इंस्टाग्राम आईडी इधर। हाँ हाँ, क्या मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। तो यही सब आप लोगों से शेयर करना था गाइस। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि बनाऊंगा व्लॉग, लेकिन काफ़ी चीज़ें बीच बीच में आ रही थी तो ये डिले हो गया। लेकिन आज एक अच्छी लोकेशन के साथ मैंने ये व्लॉग टॉपिक कवर कर लिया तो बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को। और एक और चीज़, अगर आप लोग टैटू करा रहे हो ना तो बहुत चीज़ें सोचो उसके बारे में कि आपको आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें टैटू नहीं चलते। आजकल तो मोस्टली चल जाता है, लेकिन आर्मी हो गया या फिर कोई सिविल जॉब हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो उसमें ज़्यादा करके नहीं चलते टैटू। तो वो चीज़ का ध्यान रख के करना, और टैटू ऐसा करना ना जिससे जिसका कुछ तो मीनिंग हो। मतलब नाम वाम लिखवाना ये मुझे इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि नाम लिखवाने से क्या है, मतलब नाम तो अपन किसी का भी लिखवा सकते, वो आदमी रहेगा नहीं रहेगा उससे आपको कुछ पावर नहीं मिलने वाली। हाँ, मॉम डैड का कुछ साइन निकालो या फिर कुछ ऐसा रहेगा तो निकालो, वैसे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक भाई के नाते मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था तो मैंने किया। तो गाइज़ यही था बस आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ धड़ाधड़ आते रहने वाले। ट्रैक्स के वीडियोज़ तो बहुत सारे आने वाले, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने को। लोनावला में सबसे ज़्यादा शेयर करो लोग, अगर आप लोग देख रहे हो लोनावला से, यार कर क्या रहे हो, अकेला व्लॉगर हूँ मैं यार, करो तो शेयर कर दो। और हाँ, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि कुछ तो प्लान किया है हम लोग ने, तो सोच रहे हम लोग कहीं जाने का। अभी देखते हैं, पैसे की थोड़ी कमतरता है, दोस्त में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन का चालू है, तो देखते हैं हुआ तो जाएंगे, आप लोगों को दिखेगा ही। तो मिलते हैं गाइस ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे हैप्पी। सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड स्टे हैप्पी, साइनिंग ऑफ हेमंत राउत, बाय।